हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग साइज 18.2 पे हम क्वेश्चन नंबर 18 विच टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ क्या दिया है, ब्रैकेट के अंदर है एक्स बाई रूट वाई के पावर 1/3 प्लस वाई बाई एक्स का पावर 1/3 के पावर 1/2 द होल पावर 21 क्या कह रहा है, कंटेन्स एक्स एंड वाई टू वन एंड द सेम पावर, यानी कि किस टर्म में एक्स और वाई दोनों होंगे और दोनों का पावर सेम होगा, वो कौन सा टर्म होगा ये बताना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जनरल टर्म की, जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ जो हमारे पास दिया हुआ है बाइनोमियल, इसके एक्सपेंशन में वाई बाई एक्स का पावर 1/3 का पावर 1/2 द होल पावर 21 जनरल टर्म क्या होगा, टी आर प्लस वन इक्वल टू में हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर हो जाएगा आपका 21 सी आर एक्स बाई रूट वाई का पावर 1/3 का होल पावर 21 माइनस आर इंटू यहाँ पर होगा वाई बाई एक्स का पावर 1/3 का पावर 1/2 द होल पावर आर। ठीक है, अब इसको आगे हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए क्या होगा 21 सी आर, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब लिख सकते हैं, यहाँ पर अंदर एक्स बाई वाई का पावर 1/2 और यहाँ देखिए ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा पावर में यहाँ पर 7 माइनस का आर बाई थ्री। फिर यहाँ पे भी देखिए वाई बाई एक्स का पावर 1/3 का यहाँ पावर हो जाएगा 1/2 आर। चलिए अब इसके बाद देखते हैं 21 सी आर ऊपर हो जाएगा एक्स का पावर 7 माइनस आर बाई थ्री और यहाँ वाई का पावर 7/2 माइनस का आर बाई सिक्स इंटू वाई का पावर 1/2 आर और यहाँ एक्स का पावर 1/6 आर। अब इसके बाद देखिए 21 सी आर ऊपर डिवाइड में तो घटेगा, यहाँ भी डिवाइड में तो घटेगा, तो एक्स का पावर यहाँ हो जाएगा 7 माइनस आर बाई थ्री माइनस 1/6 आर, वाई का पावर 1/2 आर माइनस 7/2 और यहाँ प्लस का आर बाई सिक्स। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 21 सी आर एक्स का पावर ऊपर एलसीएम ले लेते हैं 6 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 42 है ना जी, माइनस का 2 आर माइनस का आर वाई का पावर एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर कितना 6 तो यहाँ 3 आर माइनस का 21 और प्लस का आर। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या होता है 21 सी आर एक्स का पावर ऊपर हो जाएगा 42 माइनस का 3 आर बाई सिक्स। ठीक है, चलिए और यहाँ वाई का पावर यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 आर माइनस का 21 बाई सिक्स। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स एंड वाई हैव द सेम पावर, तो सेम पावर है इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ 42 माइनस 3 आर बाई सिक्स इक्वल हो जाएगा 4 आर माइनस 21 बाई सिक्स के, सिक्स से सिक्स कैंसिल। चलिए इसको इधर लेके आते हैं 21 को, ये 21 है इसको इधर लेके आते हैं 42 माइनस का 21 और इधर हो जाएगा 4 आर प्लस का 3 आर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये प्लस का हो जाएगा, इधर ये माइनस वाला है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। चलिए तो इधर आ जाएगा 63 और इधर हो जाएगा 7 आर, ये जाकर डिवाइड होता है आर इक्वल टू में जाएगा 63 बाई 7 9 आ जाएगा आर का वैल्यू, आर इक्वल टू में 9, तो आर इक्वल टू 9 हो गया तो यहाँ पर टी आर प्लस 1 था तो यानी कि 9 प्लस 1 टर्म हो जाएगा 21 सी 9
एक्स का पावर 42 माइनस का 3 इंटू में 9 बाई 6, वाई का पावर 4 इंटू में 9 माइनस 21 बाई 6। तो अब देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा, ये टेंथ टर्म होगा, देखिए 21c9 एक्स का पावर, ये देखिए 9 3 27, 27 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 42 में से, तो 42 में से 27 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, एल सी यहाँ पे 5, और यहाँ आ जाएगा आपका कितना 15 बाई 6 वाई का पावर, यहाँ देखिए 36 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 36 में से 21 को, तो यहाँ पे भी वही आएगा 15 बाई 6, देखिए यानी आप लिख सकते हैं 21c9 एक्स का पावर, इसे 3 से काट देंगे तो 5/2 और वाई का पावर 5/2, दोनों का पावर सेम आया, कब कौन से टर्म में, टेंथ टर्म में, तो टेंथ टर्म हैविंग सेम पावर इन एक्स एंड वाई, ठीक है, टेंथ टर्म में एक्स वाई का सेम पावर हो रहा है ना जी। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, डज द एक्सपेंशन ऑफ दिस कंटेन एनी टर्म इन्वॉल्विंग एक्स का पावर 9, एक्स का पावर 9 वाला अगर इसमें कोई टर्म होगा ये बताना, तो पहले जनरल टर्म देखेंगे और उसके हम लोग पावर को कंपेयर कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले इसका जनरल टर्म, जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ 2x² माइनस 1 बाई एक्स का पावर 20, टी आर प्लस 1 इक्वल टू में हो जाएगा 20 cr, 2x² का पावर 20 माइनस r, 1 बाई एक्स का पावर r, इसमें देखिए ये माइनस में है तो माइनस 1 का पावर r, लास्ट में भी दे देते हैं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए 20 cr, यहाँ पर 2 का पावर क्या हो जाएगा 20 माइनस r, x का पावर 40 माइनस का 2r, यहाँ 1 बाई एक्स का पावर r इंटू माइनस 1 का पावर r, देखिए अब 20 cr, 2 का पावर 20 माइनस r माइनस 1 का पावर r, यहाँ डिवाइड पावर शिफ्ट हो जाएगा, x का पावर 40 माइनस 3r हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखते हैं बाई इक्वेटिंग x का पावर 9 एंड x का पावर 40 माइनस 3r, तो 9 इक्वल टू में 40 माइनस का 3r, ये इधर आके प्लस का 3r, 9 देखो तो सब्ट्रैक्ट करेगा 31, r इक्वल टू में 31 बाई 3, जो कि एक यहाँ पे नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा है, सो लिख सकते हैं सो x का पावर 9 नॉट कम इन एनी टर्म ऑफ द गिवन बाइनोमियल, कहीं पे भी नहीं आएगा उस दिए हुए बाइनोमियल में, है ना, कहीं भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का, सो दैट द एक्सपेंशन ऑफ x² प्लस 1 बाय x का पावर 2 डज नॉट कंटेन एनी टर्म इन्वॉल्विंग x का पावर माइनस 1, तो वही सेम करेंगे, अगर हम लोग इसके पहले जनरल टर्म की बात करेंगे, जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ x² प्लस 1 बाई एक्स का पावर 2, तो क्या हो जाएगा टी आर प्लस 1 इक्वल टू में 2lcr x² का पावर 2l माइनस r एंड 1 बाई एक्स का पावर r। चलिए देखते हैं 2lcr x का पावर 24 माइनस का 2r और यहाँ 1 बाई एक्स का पावर r, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा 2lcr x का पावर 24 माइनस का 3r, तो लिखते हैं बाय इक्वेटिंग, इसके साथ इक्वेट करेंगे जी, तो आपको किसका निकालना है x का पावर माइनस 1 ना, x का पावर माइनस 1 एंड x का पावर 24 माइनस का 3r, तो माइनस 1 इक्वल टू में 24 माइनस का 3r, ये प्लस का 3r 1 उधर जाके ऐड होगा 25, r इक्वल टू में 25 बाई में 3, जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा है, यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफोर क्या लिख सकते हैं जी, द एक्सपेंशन ऑफ 2x क्या था जी, x square प्लस
एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का पावर 12 डज नॉट कंटेन एनी टर्म इन्वॉल्विंग एक्स का पावर माइनस वन। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्या करें, 30 नंबर में फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन दिस। अच्छा, मिडिल टर्म निकालना है तो पहले देखो हमें पता करना होगा कि मिडिल टर्म कौन सा होगा। तो देखिए पहले वाले से देखते हैं, दिया है कौन सा टर्म इसका मिडिल होगा, ये हमें पहले पता करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे पावर में 20 है, तो पावर में 20 है तो इसका मिडिल टर्म निकालने के लिए, देखिए पावर में जब इवन होता है तो मिडिल टर्म निकालने के लिए मैंने रूल बताया, तो अगर पावर में इवन हो तो मिडिल टर्म वो क्या हो जाएगा, n बाई टू प्लस वन, यानी कि 20/2 प्लस वन टर्म, 10 प्लस वन 11th टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा। ठीक है, 11th टर्म जो होगा मिडिल टर्म होगा, तो 11th टर्म निकाल देना है। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा कि मिडिल टर्म वो क्या हो जाएगा, वो 11th टर्म होगा, यानी कि t 10 प्लस वन 10 रख देना होगा, 20c10 है ना, 2/3 एक्स का पावर 20-10 3/2 एक्स का पावर यहाँ पर 10 और इंटू -1 का पावर 10, क्योंकि देखो यहाँ पे बीच में माइनस है ना, इसलिए ये तो आएगा, ये पहले दे देते या लास्ट में दे दीजिए कोई दिक्कत नहीं, 20c10। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, 2/3 एक्स का पावर 10 3/2 एक्स का पावर 10 और इंटू में 1। तो देखो ऊपर यहाँ 2x का पावर 10 है, नीचे 2x का पावर 10 है, 3 का पावर 10 है, ऊपर 3 का पावर 10 है, तो 1 हो जाएगा, बच जाएगा 20c10 इसका मिडिल टर्म हो जाएगा। समझ गए, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसमें। चलिए अब हम लोग इसका सेकेंड नंबर देखते हैं, दिया हुआ है a/x प्लस bx का पावर 12 इसका मिडिल टर्म, तो इसका मिडिल टर्म क्या होगा, तो इसमें भी पावर में देख रहे हैं ना इवन है, तो मिडिल टर्म क्या होगा, 12/2 प्लस 1th टर्म, यानी कि आ जाएगा 7th टर्म जो होगा मिडिल टर्म होगा। तो अगर हमें 7th टर्म निकालना होगा, यानी कि मिडिल टर्म निकालना होगा, मिडिल टर्म, तो क्या हो जाएगा, वो 7th टर्म होगा, और 7th टर्म कैसे निकालेंगे, टी 6 प्लस 1 करके, यानी आ जाएगा 12c6 a/x का पावर 12 माइनस का 6 और यहाँ पर हो जाएगा bx का पावर 6। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा, 12c6 को सॉल्व कर दे क्या, 12 का फैक्टोरियल बाय 6 का फैक्टोरियल और 12 माइनस 6 का फैक्टोरियल, a का पावर 6 x का पावर 6, b का पावर 6 x का पावर 6, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 12 इंटू में आपका हो जाएगा 11 इंटू में 10 इंटू में 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में 6 का फैक्टोरियल, और एक 6 का फैक्टोरियल 720 और ये आपका 6 का फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल, यहाँ a का पावर 6 b का पावर 6, एक जीरो से एक जीरो, ये 9 से 8 टाइम्स में 8 से 8 आपका कट जाएगा। अब ऊपर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ऊपर, ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर आएगा 924 a का पावर 6 b का पावर 6, ये आपका मिडिल टर्म हो जाएगा। समझ गए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके थर्ड नंबर से, दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2/x का पावर 10 का मिडिल टर्म निकालना है, यहाँ से भी मिडिल टर्म जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 10/2 प्लस 1th टर्म, यही ना होगा जी, यानी कि 5 प्लस 1 6th टर्म होगा, 6th टर्म इसका मिडिल टर्म होगा। तो चलिए हम लोग इसका 6th टर्म निकालते हैं, यानी कि मिडिल टर्म निकालते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि मिडिल टर्म यानी कि t6 यानी कि टर्म 5 प्लस का 1 क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 10c5। ठीक है, एक्स स्क्वायर का पावर 10-5 2/x का पावर 5 और इंटू -1 का पावर 5।
तो ये देखते हैं क्या होता है। 10c5, 10 का फैक्टोरियल बाई 5 का फैक्टोरियल और 10 माइनस 5 का फैक्टोरियल। यहाँ x का पावर कितना हो जाएंगे, 5 टू 10, 2 का पावर 5 और बाई x का पावर 5 इंटू माइनस का 1। चलिए ऊपर 10 इंटू में 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू में 5 का फैक्टोरियल, और ये 5 का फैक्टोरियल 120 और इंटू में 5 का फैक्टोरियल। यहाँ देखिए x का पावर 5 आ जाएगा, ये 2 का पावर 5 32 इंटू में माइनस का 1, ये इससे कैंसिल। अब देखिए यहाँ पर एक जीरो से जीरो कैंसिल, 6 टू जा 12 और 2 से इसको काट देते हैं 16 टाइम्स पर, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा माइनस का 8064 एक्स का पावर 5, ये आपका मिडिल टर्म हो गया। चलिए अब इसका देखते हैं 4 नंबर, एक्स बाई ए माइनस ए बाई एक्स का पावर 10। यहाँ पे भी क्या होगा, मिडिल टर्म की बात करेंगे, पावर में ही बहन है तो 10 बाई 2 प्लस 1 टर्म, 6th टर्म जो होगा वह मिडिल टर्म होगा। यानी कि मिडिल टर्म अगर हम निकालने वाले हैं मिडिल टर्म, तो क्या हो जाएगा, वो टर्म 6 होगा, यानी कि टी 5 प्लस 1, तो आ जाएगा 10c5 एक्स बाई ए का पावर 10 माइनस 5 ए बाई एक्स का पावर 5 इंटू माइनस 1 का पावर 5, ये ना हो जाएगा जी। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, 10 का फैक्टोरियल बाई में 5 का फैक्टोरियल और 10 माइनस 5 का फैक्टोरियल। यहाँ x बाई ए का पावर 5, यहाँ a बाई एक्स का पावर 5 और इंटू में माइनस का 1। यहाँ देखिए 10 इंटू में 9 इंटू में 8 इंटू में 7 इंटू में 6 इंटू में 5 का फैक्टोरियल बाई में, एक 5 का फैक्टोरियल 120 और एक 5 का फैक्टोरियल बच जाएगा, ये माइनस यहाँ लगा देते हैं और ये इंटू ये कट उठ के 1 हो जाएगा। सेम है ना, यहाँ एक्स का पावर 5 है, नीचे एक्स का पावर 1 का पावर 5 ऊपर है, यहाँ एक का पावर 5 नीचे, तो 1 ही ना हो जाएगा। ये देखिए इससे ये कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो, 6 टू जा 12 और 2 4 जा 8, यहाँ जो बच गया उसी में से कैंसिल जो 7 4 जा 28, 28 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 252, माइनस का 252, ये इसका मिडिल टर्म आ गया। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल से वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।